उसी में जब ओरली पूछा जाए, इसीलिए हम वाइवा में जो है अक्सर अटक जाते हैं और रिटर्न में पास हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ओरली हम स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ लिखने में तो टाइम होता है ना, कि टाइम है तो हाँ ये पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी हेडिंग ये बना देता हूँ, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, वहाँ फुल टाइम होता है। लेकिन ओरली जो है वाइवा तो इम्प्रॉम्प्टू है, अभी मैंने पूछा तो अभी के अभी बताओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो दिमाग को टाइम ही नहीं मिलता है कि कैसे कोप अप करें उससे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस मैं वो भी मैं ही कराता हूँ कि आंसर अगर आपको ओरली देना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आप हमसे लाइव बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान है ये एप्लीकेशन संगीत धारा SPW एप्लीकेशन। कि हमारा जवाब जो है कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन और आंसर ये दो चीजें होती हैं। मैंने अगर आपसे सवाल किया, मतलब एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ सिचुएशन पर, तो सवाल का मकसद क्या होता है, व्हाट्स द मोटिव ऑफ अ क्वेश्चन, आंसर है ना, कि भाई वो प्रॉब्लम अगर मैंने आपको बताई तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका एप्ट माकूल जवाब अगर मुझे मिल जाए, ऐसा कि वो जो जवाब जो सवाल को सेटिस्फाई कर दे वो जवाब होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, आप करते हैं धृति है ना, एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है कि ये स्ट्रक्चर होता है आंसर का, ये क्वेश्चन अगर इस लैंग्वेज में पूछा है तो ऐसे आंसर देना होगा, और यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा है और उसका ये क्राइटेरिया इतने मार्क्स है तो ऐसे आंसर देना होगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछा, लॉन्ग आंसर दिया तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, और पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो या एग्जाम्पल दो या ब्रीफली एक्सप्लेन करो, तो वो क्राइटेरिया तय होता है कि कैसे एक्सप्लेन करना है ना, विद पॉइंट्स आप बताते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइट्स बनाते हैं, कोलन लगा के बताएंगे कि हेडिंग्स दे दे के, तो क्या होगा, बड़ा खूबसूरत सा जवाब होता है, टीचर को देख के ही समझ आ जाता है हाँ ये बच्चा समझदार है। ऐसा नहीं कि घसीटा पसीटा बस पैराग्राफ भर दिए कि बोला गया है कि ऐसे लिखना है या कुछ भी, तो क्या किया आपने, ये चार पैराग्राफ लिख दिए एक साथ, वो भी कोई स्पेसिंग नहीं है, पैराग्राफ की कोई स्पेसिंग नहीं है या कुछ नहीं है, है ना। आपने भी सर एग्जाम्स दिए हैं तो आपको भी मालूम है कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, जितना स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा उतना आपको मार्क्स एक्यूरेट मिलते हैं, है क्या, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि तुम्हारा ग्रंथ पढ़ेगा वहाँ बैठ के, वो तो हेडिंग्स देखेगा और समझ जाएगा हाँ ये बच्चे को पॉइंट्स क्लियर है, मतलब ये समझता है जवाब क्या है। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है, उसी में जब ओरली पूछा जाए, इसीलिए हम वाइवा में जो है अक्सर अटक जाते हैं और रिटर्न में पास हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ओरली हम स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ लिखने में तो टाइम होता है ना, कि टाइम है तो हाँ ये पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी हेडिंग ये बना देता हूँ, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, वहाँ फुल टाइम होता है। लेकिन ओरली जो है वाइवा तो इम्प्रॉम्प्टू है, अभी मैंने पूछा तो अभी के अभी बताओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो दिमाग को टाइम ही नहीं मिलता है कि कैसे कोप अप करें उससे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस मैं वो भी मैं ही कराता हूँ कि आंसर अगर आपको ओरली देना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब मैंने आपसे पूछा रियाज के बारे में बताना है देखिए जवाब का मतलब होता है सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए, है कि नहीं, समझाना ये है, आपको बताना नहीं है, समझाना है। जब भी जवाब दो ये समझ के जवाब दो कि इसको सिर्फ बताना नहीं है, इसे समझाना है। तो समझाने के लिए सामने वाले का स्तर देखा जाता है ना। मैं संगीत आपको समझा रहा हूँ तो अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों का स्तर उतना नहीं है कि मैं डायरेक्ट बड़े बड़े शब्द बोल दूँ या सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हेडिंग्स बता दूँ और आपको समझ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। आप लोग बिगिनर लेवल के हैं तो मुझे आपके स्तर पर आना पड़ेगा कि ठीक है मुझे इनको समझाना है तो ऐसे समझाना होगा, इससे एडवांस स्टूडेंट को समझाऊंगा तो ऐसे समझाऊंगा, और इससे ज़्यादा बिगनियर होगा तो उसको ऐसे समझाऊंगा, है ना। सबको समझाने के तरीके अलग होते हैं, तो वैसे ही आपको मुझे समझाना है। तो अब आप पहले मेरा स्तर देखेंगे, दूसरी चीज़ मेरी नॉलेज देखेंगे कि मुझे कितना मालूम है उस विषय के बारे में। मैंने आपसे पूछा है रियाज, रियाज में क्या करते हो, तो आपको ये मालूम है कि इन्होंने ही हमें बताया है रियाज के बारे में, तो इनको ये वाले पॉइंट्स तो मालूम है, तो अगर हम वो वाले टर्म्स यूज़ करेंगे तो ये फैमिलियर हैं उनसे, तो ये जल्दी समझ जाएंगे, है ना। आपको उसे आसान करके मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। आप मुझे पूरे कंप्लीट हेडिंग जो होती है, ये नहीं कि आवाज़ में ताकत वगैरह बढ़ती है और वो नहीं, जो मैंने वर्ड्स दिए हैं वही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। मैंने कहा चलो जो मैंने इन्हें समझाया तो वो इन्हें समझ आया, तभी ये मुझे वापस समझा पा रहे हैं, है नहीं। समझ के समझ को समझो समझना भी एक समझ है, और जो समझ के समझ को ना समझे वो मेरी समझ में क्या है, ना समझ है, ठीक है। तो ना समझी नहीं करनी हमें, एग्जैक्ट हमारा जवाब होना चाहिए कि रियाज के बारे में शुरू किया है तो मेंटल चार्ट बनाओ सबसे पहले। जैसे मैंने आपको आंसर लिखाया है, कैसे लिखाया है, मेंटल चार्ट, सबसे पहले हेडिंग पढ़वाई, मॉर्निंग वोकल रियाज। रियाज का पूरा नाम अगर बोलेंगे ढंग से जो मैंने रियाज आपको बताया, वरना रियाज का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने, लिटरल मीनिंग क्या बताया था, प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना। तो वो तो कभी भी हो सकती है, लेकिन हम किस रियाज की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग वोकल रियाज। कौन से रियाज से ये सारे फायदे होंगे जो आप फायदे अभी गिनाने जा रहे थे, मॉर्निंग वोकल रियाज।
तो उसके की पॉइंट्स हमेशा याद रहने चाहिए। की पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको भी समझ आएगा और सामने वाले को भी पता रहेगा कि कहाँ से सीखे और क्या सीखा है, है ना। ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स में बड़ी ताकत होती है, तो ये जानने ज़रूरी हैं। तो मॉर्निंग वोकल रियाज आपका हेडिंग है। अब मॉर्निंग वोकल रियाज की पहली हेडिंग क्या दी थी मैंने, उसके प्रिकॉशंस बताए थे, नहीं प्रिकॉशंस तो सेकेंड बताए थे, पहले क्या बताए थे, फ़ायदे, है ना, बेनिफिट्स। तो मॉर्निंग वोकल रियाज, बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस, ये हमारा हेडिंग है, है ना, मेन हेडिंग है कि मॉर्निंग वोकल रियाज, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस, ये दो आपके बन गए। मेंटल चार्ट बन रहा होगा आपके सामने जो मैं ऐसे बयां कर रहा हूँ। अब बेनिफिट्स में पहला पॉइंट क्या आता है बताओ मुझे, फर्स्ट बेनिफिट क्या बताया था मैंने, वोकल कॉर्ड्स स्ट्रांग होते हैं, वोकल पंच आता है, वोकल स्ट्रेंथ मिलती है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना होगा, है ना। ऐसे ही यही टर्म्स आप कॉपी में नोट कीजिए, जब मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाने कैसे हैं वो भी मालूम होने चाहिए, है ना। नोट मेकिंग सीखी है आपने धृति, इंग्लिश में पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं उसे, पैराफ्रेजिंग, ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, पैराफ्रेजिंग कहते हैं उसे। पैराफ्रेजिंग मतलब जो सामने वाला कह रहा है उसे फ्रेज में, यानी छोटे छोटे अक्षरों में बता देना, है ना। जैसे मैंने इतना सारा बोला, जो वाक्य बोला उस वाक्य को आप एक फ्रेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, है कि नहीं। मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा उसे एक फ्रेज में, एक छोटी छोटी लाइन में। इससे क्या हो जाता है, जैसे हम हिंदी में जब निबंध लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं तो भूमिका मिलती है, है ना सर, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि भूमिका मिलती है। भूमिका मतलब की पॉइंट्स मिले हैं कि इन पर, इनके बेस पे पूरा का पूरा निबंध लिख देना है। तो वो की पॉइंट्स क्या हैं, वो पैराफ्रेजिंग कहलाते हैं। तो पैराफ्रेजिंग करनी है जब मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसकी, यानी की पॉइंट्स लिख लो, और की पॉइंट्स पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि वोकल कॉर्ड्स स्ट्रांग होती है तो उसमें क्या क्या हो जाता है, वोकल पंच आ जाता है, गाने में दम आ जाता है, गला मजबूत हो जाता है, आवाज़ गहरी हो जाती है, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। हेडिंग क्या हो गई, वोकल कॉर्ड्स स्ट्रांग होती हैं, वोकल पंच आता है। तो ये पॉइंट्स आ गए।